हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। माय नेम इज कमलवीर। आज हम एक इम्पोर्टेंट ऐसे डिस्कस करेंगे। ऐसे का नेम है टूवर्ड्स अ कंसेप्ट ऑफ पोस्ट मॉडर्निज्म। इसके ऑथर हैं इहाब हसन। और आपका पेपर है लिटरेरी मूवमेंट्स पार्ट वन एंड यूनिट नंबर थ्री, विच इज पोस्ट मॉडर्निज्म। डिस्कस करेंगे आज इसके बारे में हम। इहाब हसन रिमार्क्स दैट पोस्ट मॉडर्निज्म मे बी समराइज्ड बाय अ लिस्ट ऑफ वर्ड्स। इहाब हसन कहते हैं कि अगर हमें पोस्ट मॉडर्निज्म को समझना है ना, तो ये दो वर्ड्स DED और DIT, इन दो वर्ड से ही आप इन्हें समझ सकते हो, क्योंकि इस इनसे ही DE और DI, इसी से अलग अलग जो वर्ड बनते हैं उन्हीं वही थ्योरीज पोस्ट मॉडर्निज्म से एसोसिएटेड हैं। जैसे DE से डी कंस्ट्रक्शन, ये पोस्ट मॉडर्निज्म की एक थ्योरी है। डी सेंटरिंग, ये भी पोस्ट मॉडर्निज्म की। फिर DI से डिसेमिनेशन, ये पोस्ट मॉडर्निज्म की थ्योरी। DE से डेम सॉरी डेम डीमिस्टिफिकेशन, और DE से फिर डीलेजिटिमेशन और डिसअपीयरेंस। वो ये ना सारी थ्योरीज हैं बेसिकली पोस्ट मॉडर्निज्म की, जो DE और DI से लिखी जाती है। तो हसन कहते हैं कि इन्हीं दो वर्ड से आप पूरा पोस्ट मॉडर्निज्म समझ सकते हो, क्योंकि इन्हीं दो वर्ड से मिलके ज्यादातर थ्योरीज है पोस्ट मॉडर्निज्म की। सो बेसिकली जो पोस्ट मॉडर्निज्म है वो डी कंस्ट्रक्शन की बात करता है। किसे डी कंस्ट्रक्शन करना है? वो कहते हैं कि जो एक यूनिवर्सल ट्रूथ, यूनिवर्सल थ्योरी, ऑब्जेक्टिव थ्योरीज बना रखी हैं, उसे हमें डी कंस्ट्रक्ट करना चाहिए, यानी कि तोड़ के नई थ्योरीज बनानी है। डी सेंटरिंग, यानी कि कोई सेंट्रल आइडिया नहीं, हर एक चीज का एक अलग आइडिया उन्होंने कहा है, ठीक है। डी मिस्टिफिकेशन, कोई भी चीज मिस्टिक नहीं है, मतलब इस तरीके की वो बातें करते हैं। मैं आपको समझाऊंगा एक एक चीज। अच्छा, मैं आपको बता दूं, ये ना काफी लंबा होने वाला है टॉपिक, तो आपको साथ साथ में नोट्स जरूर लिखते रहना, हर एक चीज को लिखते रहना, चाहे अभी ना समझ आए लेकिन आगे जाके आपको ये चीज समझ आ जाएगी, लिखते जरूर रहना। और दूसरी चीज, आप लोग वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना चैनल को, क्योंकि आजकल आप लोग लाइक नहीं करते, लाइक प्लीज जरूर कीजिएगा, यही हमारी मोटिवेशन का सोर्स होता है। एक ये भी वर्ड आपने याद रखना है, अनडिसाइडेबिलिटी। ये भी पोस्ट मॉडर्निज्म के कैरेक्टरिस्टिक में आप लिख सकते हो। वो कहते हैं कि वेदर पोस्ट मॉडर्निज्म इज अ क्रिटिक, क्या ये क्रिटिक है? एक एक्सटेंशन है मॉडर्निज्म का, ये अनडिसाइडेड है। तो पोस्ट मॉडर्निज्म क्या कोई अलग एक मूवमेंट है, या पोस्ट मॉडर्निज्म एक पीरियड है, पोस्ट मॉडर्निज्म मॉडर्निज्म का ही क्रिटिसिज्म है, या पोस्ट मॉडर्निज्म मॉडर्निज्म का एक एक्सटेंशन है, पार्ट है? तो ये सारी चीजें अनडिसाइडेड हैं अभी भी, जो थ्योरिस्ट हैं, जो स्कॉलर्स हैं उनमें। तो एक अनडिसाइबिलिटी है पोस्ट मॉडर्निज्म से एसोसिएटेड। ये पॉइंट भी आप जरूर लिख देना, पोस्ट मॉडर्निज्म को कोई भी क्वेश्चन हो ये पॉइंट जरूर लिखना है आपको। ये भी एक पॉइंट आपको जरूर नोट डाउन करना है कि पोस्ट मॉडर्निज्म जो थॉट है वो कहाँ पे ओरिजिनेट हुआ? फ्रांस में, ठीक है, फ्रांस में। और ये किस थ्योरी को रिजेक्ट करता है? जो एंग्लो अमेरिकन वर्ल्ड की थ्योरीज है, यानी कि इंग्लैंड और यूएसए की जो थ्योरीज थी ना, जो आप कह लो थ्योरी है, थॉट है, अप्रोचेज है, उसे ये क्रिटिसाइज करता है, और ये फ्रांस में डेवलप हुआ। और आपको पता है कि इसे एंग्लो क्यों कहा जाता है इंग्लैंड को? क्योंकि पहले एंग्लो नाम का ट्राइब वहां पे रहता था, इसीलिए इंग्लैंड को एंग्लो कह दिया जाता है कई बार। सो अभी हम अच्छे से पढ़ते हैं पोस्ट मॉडर्निज्म के बारे में। देखो, पोस्ट मॉडर्निज्म है क्या? तो पोस्ट मॉडर्निज्म एक टाइम पीरियड है। जैसे हम टाइम पीरियड पढ़ते हैं कि एंशियंट टाइम पीरियड, मेडिवल टाइम पीरियड, मॉडर्न टाइम पीरियड, ऐसे ही उसके बाद आता है पोस्ट मॉडर्न टाइम पीरियड। तो जो पोस्ट मॉडर्न टाइम पीरियड की आइडियोलॉजी है, पोस्ट मॉडर्न टाइम पीरियड का लिटरेचर है, पोस्ट मॉडर्न टाइम पीरियड की अप्रोचेज हैं, उसे फिर हम पोस्ट मॉडर्निज्म कहते हैं। जो इस टाइम पीरियड में, पोस्ट मॉडर्न टाइम पीरियड में लिटरेचर लिखा गया, उसे फिर पोस्ट मॉडर्न लिटरेचर कहते हैं, उसी को पोस्ट मॉडर्न मूवमेंट भी कहते हैं, ये सारी चीजें। तो सबसे पहले क्या मॉडर्निटी या मॉडर्निज्म का टाइम पीरियड था? इससे पीछे चले जाओ, पहले एंशियंट टाइम पीरियड, फिर मेडिवल टाइम पीरियड, फिर मॉडर्न टाइम पीरियड, फिर उसके बाद आएगा पोस्ट मॉडर्निज्म। मॉडर्न टाइम पीरियड था, या जो मॉडर्निज्म था, वो 17th सेंचुरी से स्टार्ट हुआ था, ये लिखने वाली बात है।
इसकी करेक्टरिस्टिक क्या थी उस टाइम पे, जो लिटरेचर लिखा जा रहा था, थ्योरीज लिखी जा रही थी, वो साइंस और रैशनैलिटी पर बेस्ड थी। तो मॉडर्न टाइम पीरियड का लिटरेचर कहता था कि साइंस और रैशनैलिटी हर एक चीज को, हर एक प्रॉब्लम को रिजॉल्व कर सकती है। मॉडर्न टाइम पीरियड ने क्या कहा, साइंस और टेक्नोलॉजी हर एक प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकती है। पोस्ट मॉडर्निज्म यही कहता है कि साइंस और रैशनैलिटी हर एक चीज को सॉल्व नहीं कर सकती, आपको क्या करना होगा, आपको वैल्यूज को भी, इमोशंस को भी आप कह लो स्टडी करना होगा। इंटेलेक्चुअल पोजीशन मॉडर्निज्म का था ऑब्जेक्टिविज्म, ठीक है, ये कहते थे वर्ल्ड कैन बी स्टडीड ऑब्जेक्टिवली। देखो अगर ये मॉडर्निज्म वाला जो ये वाला पेज है ना, ये अगर आप लिखना चाहते हो तो लिख लो, नहीं लिखना चाहते हो तो कोई दिक्कत नहीं, अगर आप ये मेंशन कर दोगे एग्जामिनेशन में तो आपको ज्यादा मार्क्स आ जाएंगे, नहीं भी करोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर कर दोगे तो अच्छी बात ऑब्जेक्टिव है। तो आपको समझ आए ना आए, बस आपने ये पॉइंट लिख लेने हैं कि मॉडर्निज्म का टाइम पीरियड 17th सेंचुरी। एक चीज ये मतलब एग्जामिनेशन में जरूर लिख देना, चाहे ना भी समझ आए बात, इसकी करेक्टरिस्टिक साइंस एंड रैशनैलिटी ये भी पॉइंट लिख देना, और इसका इंटेलेक्चुअल पोजीशन ऑब्जेक्टिविज्म, तो ये चीजें जरूर लिख देना। अभी हम आते हैं पोस्ट मॉडर्निज्म के ऊपर। पोस्ट मॉडर्निज्म एक पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटी थी, और ये कौन सा टाइम पीरियड है, 1970s और 80s का, ये पहली चीज आपने याद रखनी है। जो मॉडर्निज्म का इंटेलेक्चुअल पोजीशन था उसे मैंने आपको क्या बताया, ऑब्जेक्टिविज्म, ये क्या था, सब्जेक्टिविज्म, ठीक है, ये सब्जेक्टिविज्म पर बेस्ड था, यहां लिखा होगा सब्जेक्टिविज्म या कंस्ट्रक्टिविज्म इसे कहा जाता है। अगर ना आप ऐसे मतलब कंपैरिजन कर करके समझोगे तो ज्यादा देर तक चीजें याद रहती हैं। मॉडर्निज्म क्या, उसका इंटेलेक्चुअल पोजीशन क्या था, ऑब्जेक्टिविज्म, पोस्ट मॉडर्निज्म का सब्जेक्टिविज्म। वो कहते थे कि हम यूनिवर्स को ऑब्जेक्टिवली स्टडी कर सकते हैं, ये कह रहे हैं वर्ल्ड कैन नॉट बी स्टडीड ऑब्जेक्टिवली, तो वो ऑब्जेक्टिविज्म की बात करते थे, तो ऑब्जेक्टिवली ये कह रहे हैं कि नहीं, हमें सब्जेक्टिवली स्टडी करना है। पोस्ट मॉडर्निज्म डायवर्सिटी ऑफ थॉट को सपोर्ट करता है, ये कहते हैं कि कोई भी यूनिवर्सल ट्रूथ नहीं होती, मॉडर्निज्म कहता है कि यूनिवर्सल ट्रूथ होती है, पोस्ट मॉडर्न लिटरेचर कहता है कि कोई भी यूनिवर्सल ट्रूथ नहीं होता है। जैसे हम बात करते हैं ना कि जितने लोग जितने मुंह उतनी बातें, तो ये ऐसी बात कहते हैं, ये कह रहे हैं कि कोई भी यूनिवर्सल ट्रूथ नहीं होती, हर एक इंसान की एक अपनी ट्रूथ होती है, आपका वर्ल्ड व्यू अलग है, मेरा वर्ल्ड व्यू अलग है। मान लो आपको खाने में पिज्जा पसंद है, मुझे खाने में पास्ता पसंद है, तो मैं कहूंगा कि पास्ता वर्ल्ड की बेस्ट डिश है, आप कहोगे कि पिज्जा बेस्ट डिश है, तो फिर यूनिवर्सल ट्रूथ क्या हुई, कौन सी चीज बेस्ट है वर्ल्ड की, तो हम बता नहीं सकते क्योंकि आपकी अलग है मेरी अलग है। तो ये है पोस्ट मॉडर्निज्म कि वो कहता है कि यहाँ पे मिलियंस ऑफ ट्रूथ एग्जिस्ट करती है। सो ये इनकी जो थ्योरी है पोस्ट मॉडर्निज्म, इसे एंटी फंक्शनलिज्म या एंटी फंडामेंटलिज्म भी कहा जाता है। पोस्ट मॉडर्निज्म इज एंटी फंक्शनलिज्म एंड एंटी फंडामेंटलिज्म, क्यों, क्योंकि इनका कहने का मतलब है कि कोई भी यूनिवर्सल ट्रूथ, कोई भी एक फाउंडेशनल ट्रूथ नहीं होती। जैसे हम कहते हैं ना कि देखो हर एक रिश्ते की फाउंडेशन नींव क्या है, नींव क्या है कि एक दूसरे से हम प्यार करें, तो ये नींव है हर एक रिश्ते की। वो कह रहे हैं कि ऐसी कोई भी यूनिवर्सल ट्रूथ कहीं भी नहीं होती, ये जरूरी नहीं कि हर एक रिश्ते की नींव यही हो, ठीक है, नीड भी हो सकता है, कुछ और भी हो सकता है। तो ये एंटी फंक्शनलिज्म एंटी फंडामेंटलिज्म है, यानी कि कोई भी फंडामेंटल ट्रूथ यूनिवर्सल नहीं होती, जितने लोग उतनी बातें, वो वाली बात है। तो समरी ऑफ द लेसन अभी देख लेते हैं। इट इज अ शिफ्टिंग टर्म एंड मार्क्स अ सस्पिशन एंड सस्पेंशन ऑफ द यूनिवर्सलिटी ऑफ रीजन। जो मैंने आपको बताया ना कि जो रीजन है, रैशनैलिटी है, साइंस है, उसकी यूनिवर्सलिटी है। जैसे कहा जाता है कि देखो जो साइंस है वो हर एक चीज के पीछे साइंस होती है, हर एक चीज के पीछे लॉजिक होता है, तो ये जो यूनिवर्सल ट्रूथ है कि हर एक चीज के पीछे ये होगा या वो होगा, उसको ये सस्पिशन और सस्पेंड करते हैं, ये कह रहे हैं कि ये बात गलत है। आप यहां से लिख लेना सस्पिशन एंड सस्पेंशन ऑफ द यूनिवर्सलिटी ऑफ रीजन, ये वाला ग्रीन जितना मैंने किया वो लिख लेना। 70s 80s में डेवलप हुआ, ये मैंने आपको बता दिया। ये पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म से एसोसिएटेड है, मैंने आपको बता दिया।
ये डी कंस्ट्रक्शन की बात करता है। देखो डी कंस्ट्रक्शन का मतलब क्या है, डी कंस्ट्रक्शन का मतलब है कि कुछ आपने पहले से रूल रेगुलेशन कंस्ट्रक्ट करके रखे हैं, बना करके रखे हैं, ये उन्हें डी कंस्ट्रक्ट कहता है कि कोई भी चीज, कोई भी रूल यूनिवर्सल नहीं। आपको जिस रूल, कोई यूनिवर्सल रूल नहीं कि जिससे एक पोइट्री या नोवेल बेस्ट होगा, आपका अपना रूल रेगुलेशन खुद से यूज करो। ये वाली लाइन आप लिख सकते हो, इट क्वेश्चंस एवरीथिंग कंसीडर्ड टू बी टोटली ट्रू, रियल एंड अल्टीमेट, आर्ग्यूज दैट रियलिटी इज कॉन्टिजेंट एंड कल्चरल कंस्ट्रक्ट। वो कह रहे हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि रियलिटी को कंस्ट्रक्ट करता है कल्चर, आप और मैं लोग, कोई भी रियलिटी, कोई भी ट्रूथ यूनिवर्सल नहीं है। जैसे आप कहोगे कि जो बेस्ट लैंग्वेज है, वो हर एक इंसान कहेगा कि मेरी लैंग्वेज बेस्ट है, तो क्या वर्ल्ड की बेस्ट लैंग्वेज हम कैसे ढूंढ पाएंगे? कभी नहीं ढूंढ सकते, क्योंकि हर एक इंसान का जो वर्ल्ड को देखने का व्यू है वो अलग है। तो जो कल्चर है वो रियलिटी क्रिएट कर रहे हैं, आप लोग अपनी रियलिटी खुद से क्रिएट कर रहे हो। आपके अकॉर्डिंग कुछ और बेस्ट है, मेरे अकॉर्डिंग कुछ और बेस्ट है, तो यूनिवर्सली बेस्ट क्या हुआ? वो कह रहे कभी नहीं खोज सकते हम, जितने मुंह उतनी बातें, बस ये वाली बात याद रखना। सो कुछ टर्म्स के बारे में उन्होंने हमें बताया। सो पहला तो है डिजेमिनेशन, इसका मतलब है इन्वॉल्व्स अ सेंस ऑफ स्कैटरिंग, अ स्कैटरिंग ऑफ आइडेंटिटी, सेंटर एंड प्रेजेंस। पोस्ट मॉडर्न एंटेल्स डिजेमिनेशन विदाउट एनी अश्योरेंस ऑफ अ सेंटर और डेस्टिनेशन। वो कहते हैं कि कोई भी चीज सेंट्रल ट्रूथ या सेंट्रल डेस्टिनेशन नहीं है, जहां पे आप सभी को पहुंचना है, लिटरेचर को उसी के अकॉर्डिंग चलना चाहिए। ये डिजामिनेशन की बात कर रहा है, यानी कि स्कैटरिंग की। ये कह रहे हैं कि हर एक चीजें फैली हुई है, हर एक चीज की, हर एक इंसान की आइडेंटिटी अलग है, उसका लिटरेचर अलग है, लिटरेचर लिखने का तरीका अलग है, कोई भी सेंट्रल या फिर एक यूनिवर्सल पॉइंट नहीं है जिसके अकॉर्डिंग सबको लिखना या चलना है। ये ग्रैंड नैरेटिव, मैं आपको बता दूं, पहले तो आप लिख लेना कि ये जीन फ्रांसिस लियोटार्ड ने ये टर्म दिया है, ग्रैंड नैरेटिव। देखो तो जैसे मैंने आपको बताया, 10 लोगों का मानना है, 10 लोग, मान लो एक सोसाइटी में 100 लोग रहते हैं, ठीक है, एक सोसाइटी में 100 लोग रहते हैं, 100 में से 80 जो पीपल हैं वो कह रहे हैं कि जो पिज्जा है वो बेस्ट डिश है, 20 पीपल कह रहे हैं कि पास्ता बेस्ट है, ठीक है। तो अभी मान लो सोसाइटी में कोई प्रोग्राम होता है, कुछ भी फंक्शन होता है, तो वहां पे क्या बनेगा? तो 80 लोग कहेंगे कि पिज्जा बने, 20 लोग कहेंगे पास्ता बने, तो किसकी बात मानी जाएगी? ये 80 लोगों की ना, ठीक है, ये क्योंकि इनके अकॉर्डिंग पिज्जा बेस्ट है, तो अभी पिज्जा ही बेस्ट है, वही बात मानी जाएगी। ये है ग्रैंड नैरेटिव का कंसेप्ट। वो कहते हैं कि जिस नैरेटिव को, जिस आइडियोलॉजी को, जिस व्यू पॉइंट को, जिस अप्रोच को मेजोरिटी ऑफ पीपल बेस्ट मानते हैं, उसी फिर हर एक इंसान को वही मानना पड़ता है, यानी कि उस ग्रैंड नैरेटिव को आपको फॉलो करना होगा। एक और मैं आपको एग्जांपल दे दूं, मान लो आपके पेरेंट्स, आपके फादर मदर दोनों डॉक्टर हैं, लेकिन आप टीचर बनना चाहते हो, तो आपकी फैमिली में पेरेंट्स भी डॉक्टर हैं, 4 लोग और भी डॉक्टर हैं, तो वो आपको समझाएंगे कि डॉक्टर बनना ही बेस्ट है, वो आपको डॉक्टर बनवा देंगे, उसी कोर्स में डालेंगे। वो ग्रैंड नैरेटिव है, यानी कि ज्यादातर लोगों की सोच क्या है उसे ग्रैंड नैरेटिव कहते हैं। बस लिटिल नैरेटिव उसके अगेंस्ट या ऑपोजिट, जो कम लोग जिसे फॉलो करते हैं, ठीक है। सो ये है पोस्ट मॉडर्निज्म के बारे में। तो मेरे ख्याल से आपको ये चीजें अच्छे से क्लियर हुई होंगी, ये टुवर्ड्स अ कंसेप्ट ऑफ पोस्ट मॉडर्निज्म। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, लाइक करना मत भूलना। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।